एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के सी सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। अभी अभी इंतजार करिए, 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, फिर हम लोग बात करेंगे। एक तरफा लहर बीजेपी की एनडीए गठबंधन की चली है और आज भी जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। विपक्ष कांग्रेस ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम एग्जिट पोल में हम किसी चैनल पर बाइट में नहीं जाएंगे, किसी चैनल के डिस्कशन में नहीं बैठेंगे। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, फेस सेविंग अपना ढूंढ रहे हैं और 4 तारीख तक कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कहीं बताएंगे ईवीएम खराब है, कहीं पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ेंगे और एक दूसरे के सर पर ये ठीकरा फोड़ करके फिर 5 साल छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। आप जानते हैं कि किस प्रकार वो लोकतंत्र के सभी स्तंभों को चोट पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लोग कर रहे हैं। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह उठाते हैं और कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर ही प्रश्नचिन्ह उठा देते हैं। हम कहते हैं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, वो अपनी हार स्वीकार करें और जनता के बीच में जो उन्हें कुकृत्य किए हैं, जो तांडव उनके गुंडों ने किया है, उसको वो स्वीकार करें, उसको कंट्रोल करें। किस ढंग से प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि 5-7 रैलियों में अखिलेश यादव ही भाषण नहीं देने पाए, उनके गुंडों ने उनके बल्ली बल्लियां मंच माइक सब तोड़ताड़ के किनारे लगा दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को नंबर एक पर मानती है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग प्रभावी था जब तक आचार संहिता है, फिर एक एक करके प्रदेश में जो गुंडे जिलों में पनपे हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। एक एक गुंडे को उनकी ताकत उनकी हैसियत का पूरी तरह से जेल भेज करके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहर चली है मोदी जी की। आप साउथ से लेकर के और पूरब तक हर जगह बीजेपी मोदी जी ही है। ये सब इंडी गठबंधन के नेता जो दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए तो बहाना क्या बनाएंगे और बहाना कोई न कोई खोज लेंगे। 4 तारीख तक आपके सारे बहाने बताएंगे, कहीं बताएंगे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, कहीं कानून व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ेंगे और वो सब केवल फेस सेविंग के बहाने खोजने के लिए मीटिंग थे और कोई कारण नहीं। गठबंधन ही पे तो ठीकरा नहीं फोड़ देंगे क्या? वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अभी जितना इकट्ठा करने में ताकत लगाए थे एक दूसरे से लड़ेंगे और गठबंधन धरातल पर कहीं था ही नहीं, वो जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एंड द ऑस्कर गोज टू एनीवन बट नीतीश, आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या दो या तीन हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कैटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है, मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ए लो। सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुटपुट गया, लुटपुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो, मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन, कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसे लगा आपको? दिल की धड़कने भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। Uncut. 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 Uncut.